आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी ट्विंकल वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो होने वाला है एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस जगह की बात कर रही हूँ मैं आपको। तो आज का वीडियो हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेस डांडी के बारे में। तो यहाँ पे कुल चीज़ें देखने की जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो अभी हम आए हैं प्रार्थना मंदिर में, इसके बाद हम जाएंगे सेफी विला और उसके बाद मैं आप लोगों को बीच की सैर करवाऊंगी। तो चलो चलते एक्सप्लोर करते हैं प्रार्थना मंदिर, लेट्स इन्जॉय विथ मी। चलो यहाँ की एंट्री फीस कुछ इस टाइप से है। और यहाँ पे सामने बैगेज काउंटर है, तो आप अपना बैग सामान वो सब कुछ यहाँ पे रख सकते हो। खादी भंडार अभी हम जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे खादी के कपड़े, साबुन, तेल सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सेफी विला जो कि प्रवासी सुविधा केंद्र के पास में है, तो यहाँ के लिए आपको अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपने पहले झोली उसमें ही चल जाएगा। टिकट दिखा के हम अंदर जा रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी हम डांडी कूच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी गांधी जी की जर्नी स्टेच्यू में डिफाइन की हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। We'll be right back.
उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डांडी कूच में, और आगे गांधी जी का स्टेच्यू है। सबके यहाँ पे दिए गए हैं। और ये माइक्रोस्कोप में सामने रखी गई हुई तस्वीर दिखती है जो कि सुई में है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ गांधी जी के रिलेटेड पूरी फिल्म दिखाई गई है, तो मैं पूरी फिल्म तो वीडियो में कवर नहीं कर सकती, बट आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा। तो महापुरुषों को बंदी बनाकर और उनके अत्याचार के सामने महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत में अहिंसा और सत्य के शस्त्र से अंग्रेज सरकार है। सेफी विला जो कि गांधी जी यहाँ पे रुके थे दांडी कूच के दरमियान। कहाँ पे गांधी जी रुके थे। और अभी हम पहुंच गए हैं डांडी बीच। यहाँ पे खाना पीना सब मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, बाइक राइडिंग भी कर सकते हो, और बच्चों के लिए जंपिंग का भी है। हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पे, तो अगर आपका भी कभी यहाँ पे सूरत नवसारी के आसपास आना हो तो एक बार जरूर आइएगा। और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा और रहने की भी सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो आप इंजॉय भी बहुत कर पाएंगे यहाँ पे और पूरा दिन आसानी से निकल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।